मेरा नाम कन्हैयालाल सालवे है और मैं राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में पढ़ता हूँ। ये मेरे मैम है तृप्ति मैम, जो हमको बायो पढ़ाते हैं। इन्होंने थोड़ा आइडिया दिया है हमको, तो मैं बताना चाहूँगा। हमने एक ऐप लॉन्च किया है कैप्सिनो नाम से, उसके जरिए हम एक तरह का फूड डिलीवरी ऐप है। इसके जरिए हम ऑर्डर लेते हैं और फूड डिलीवर करते हैं। वैसे तो मार्केट में इस तरह के काफ़ी ऐप अवेलेबल है, बट ये थोड़ा यूनिक इसलिए है कि उनकी तुलना में इस ऐप पर 10-15% का डिस्काउंट और अलग से है। उन ऐप पर दुगना प्राइस है, पर ये अपना उनकी रेट में कम है। और हाल ही में यह उदयपुर में ही है, अवेलेबल है। और शुरू अगर कोई कस्टमर हमको ऑर्डर करता है और ऑर्डर आता है हमारे पास और 10 किलोमीटर की रेंज में है, तो उसे डिलीवरी फ्री दी जाएगी। कोई डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो खाली उसका जो जिसने ऑर्डर किया है खाली उसी का पैसा लगेगा। और 10 किलोमीटर की रेंज से बाहर है तो उससे डिलीवरी या 30 या 40 रुपये लिया जाएगा। मेरा नाम नितिन सुतार है, मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ, राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला हूँ। मैंने क्या अस्पतालों में क्या होता है कि जो गंभीर अवस्था वाले मरीज होते हैं या दुर्घटनाग्रस्त मरीज होते हैं, उन्हें क्या होता है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने में, मतलब जांच के लिए जब ले जाया जाता है तो उन्हें काफ़ी कष्ट होता है। इस संदर्भ में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसका नाम पेशेंट फ्रेंडली बेड ट्रॉली है। इसकी सहायता से क्या होता है, जब पेशेंट को मतलब जाँच के लिए ले जाना होता है तब इस ट्रॉली को इस बेड से अलग किया जाता है और जाँच वार्ड में ले जाने के बाद, उसकी जांच होने के बाद इस ट्रॉली को फिर से बेड के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होती है और वहाँ डॉक्टर्स होते हैं उनको भी तकलीफ नहीं होती है।